ब्याग को अवस्था यस्तो छ नि केटा मेन हो ब्याग रोइरहेको छ मेरो तड्पिरहेको छ गर्दै उतार ओइ बेटा लड्न चाहिँ नलडै म कुरे यहाँनिर अङ्कल यहाँ हुनुहुन्छ अङ्कल थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद ल अङ्कलले मलाई यहाँसम्म छोडिदिनु भएको छ यहाँ दाई बिजी हुनुहुँदो रहेछ दाई नेपाली बुझ्नुहुन्छ हो मेरो ब्याग फाट्यो हौ ये है ना ये देखो पुरा यस्तो हालत भएको छ मेरो ब्यागको यी यता पनि सेम ए देखो यहाँ पनि यी आधी लम्बै निस्केको छ यी यस्तो छ हालत ब्यागको मचीसम्म भेट्न केटा यस्तो दुःख पऱ्यो नि मैले यता उता लिफ्ट नमिल्ने त्यही पनि यस्तो घना ठाउँ छ होइन अनि फाइनल्ली दाइले मलाई सोध्नु भयो अनि पुछेपछि मैले नै मेरो ब्याग यसो आए तँ काहीँ मोची त पहुँचा दो प्लिज तँ उनीहरूले दाइले मलाई त्यत्तिकै बिना पैसा हेल्प गरिदिनु भयो अब दाइसँग चाहिँ बिना पैसा हेल्प माग्न मैले सक्दैन किनभनेदेखि आई कान्ट टेक दिस रिस्क अब दाइलाई मैले भने फेरि दाइलाई खराब इम्प्रेसन पर्ला मेरो काम राम्रो नगरिदिनु होला या त अरू खोज्न मैले कहाँ जाने ब्याग फट्टै फुट्यो भने च्यात्यो भनेदेखि फेरि काँधमा हलाइ हुन्छ किनभने अलरेडी मलाई थाहा छ क्या यो ब्यागको फिता एउटा मात्रै हुँदाखेरि कति गाह्रो हुन्छ बोक्नलाई भनेर बाइक हुँदै लिफ्ट लिनलाई पनि गाह्रो पर्छ सो काम हुँदैछ मेरो यहाँनिर सो म दाइलाई नै सोध्छु दाइले यदि आफूसँगै भएको पैसा दिनु भनेर भन्नुभयो भने मसँगै भएको पैसा दिन्छु होइन मद्दत मागेर लिएर आउनु भन्नु भन्नुभयो भने म मद्दत माग्न यतैतिर गएर फेरि म 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ उठाइदिइहाल्छु ओके सो कति लाग्छ भैया मैना मैं बिना पैसा यात्रा करता हूँ ऐसे ही मदद ले लेकर जैसे ये सिटी वाला भैया आए थे ना उन्होंने भी वहाँ से फ्री में लेके आए थे तो मैं आपको तो ये नहीं बोलूँगा कि आप ये फ्री में बना दो या कुछ भी ये तो क्योंकि बहुत कम लोग मिलते हैं ना ऐसे तो आपको मैं ये साइड में भी है मैं नेपाल जा रहा हूँ हाँ नेपाल ही जा रहा हूँ लखनऊ से आ रहा हूँ मैं जा रहा हूँ पहाड़ी पे उधर नेपाल के पहाड़ी और कितना हुआ पैसा 20 रुपया हुआ तो मेरे साथ के भन्छौ मतलब 20 रुपया में मदद मांग के आपको दूँ या मेरे साथ जो है वही दूँ लोगों से मदद मांग के दूँ या मेरा पैसा दूँ इच्छा हो मेरा जैसा इच्छा हो त्यो दाइलाई भन्छु म गएर हेलो भैया नमस्कार बहुत बढ़िया है सर बैग सिलाने आए थे हाँ बैग सिलाने आए थे मैं उनको क्या पूछ रहा हूँ पता है मैं नेपाल से हूँ और बिना पैसा ट्रैवल करता हूँ ऐसे ही लोगों से मदद ले लेकर अच्छा प्रचार कर रहे हो आप नहीं प्रचार कुछ भी नहीं कर रहे किसी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं क्या नहीं 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 घूम रहे घूम फिर कर रहे हैं हाँ हाँ अच्छी बात है बिना पैसा यात्रा करता हूँ लोगों से मदद लेके अरे भाई वाह ये अच्छी बात नहीं है काम करके जो यात्रा करें तो वो बेहतर नहीं ये भी सही चीज है बट बिना पैसा का आजकल कुछ भी नहीं आता है ना मानसे का मानवता ही मतलब मर गया है तो मैं लोगों से मदद लेकर यात्रा करता हूँ इसलिए तो आप मुझे 20 रुपया मदद कर दोगे वो बैग सिलने का पैसा मैं दे दूंगा उनका अगर 20 रुपया मदद करोगे तो हाँ खाना पीना हो तो आपके लिए चाय मंगा दे पान मंगा दे सिगरेट मंगा दे अंडा मंगा दे अरे अगर बैग सिलाने के लिए पैसा हमसे ना खाने के लिए लेना हो तो आप बताओ नहीं 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 मदद तो मदद ही होता है ना हर तरह का मजा नहीं कोई नहीं कोई तो खाने के लिए मदद मांगे वो अच्छी बात है हाँ। जरूरत के लिए मदद मांगे ये अच्छी बात है बैग चिलाने के लिए ये अच्छी बात है हमारे हिसाब से अंकल 20 रुपये मदद करोगे भैया आप 20 रुपये मदद करोगे यंग मैन व्हाट्सअप 20 रुपये मदद करोगे ऐसे ले लो ये सेठ है हाँ ये सेठ है बगल में इसकी शॉप है नहीं कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है मुझे कोई नहीं इट्स ओके अभी हम कहा कि कुछ खाने के लिए बोलो तो मंगा दे वो नहीं समझ पाए नहीं नहीं वो समझ गए अभी मुझे खाना इम्पोर्टेंट नहीं है ना तो खाना इम्पोर्टेंट होता तो डेफिनेटली मांग लेते नहीं नहीं चाय पीना नहीं अभी मुझे वो बैग सिलना है
ये अपना रास्ता पकड़ना है, ठीक है? तो फिर आना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चलो यहाँ दाईसंग मैक्सिमो डायरेक्ट। भैया 20 रुपया मदद कर पाएगा प्लीज? कैन यू हेल्प मी 20 रुपीज? नहीं, ओके। खोई था यार मेरे, मेरो भैया किसी ने भी नहीं दिया मुझे। हाँ पैसा ना दूं? या हाँ, आपकी तरफ से मदद हो गया? ओ माय गॉड, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरे दिल से कसम से बता रहा हूँ, परदेशी ने आपको धन्यवाद बोला, थैंक यू सो मच। वाओ, वहाँ पर देखने भा सॉरी 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 ल बैग टंगी है अंकल, थैंक यू सो मच आपको। मैं अब अपना रास्ता पकड़ता हूँ। ल दाइले यहाँ बसेर देख्छ होइन त नि मलाई सोधेँ नि त मैले, त उहाँहरूले इग्नोर गरेको देखेर तर दाइ आफैलाई दया लागेछ नि त। सही चिज हो, अब कल्चर डिफ्रेन्ट छ, देश डिफ्रेन्ट छ, नो वरिज। इन्डियामै यही मलाई थाहा भएकै कुरा हो, इट्स भेरी हार्ड टु कन्भिन्स पिपल।